नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे आईआरसीटीसी की यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं जो भी लोगों ने नीचे यहाँ पर ख़रीदारी की है उनके पास क्या चारा बचता है क्योंकि कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही हैं और कुछ सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं प्लस हमको अगर भविष्य देखना हो तो कुछ चीज़ें हमको पहले से ही पता चल जाती हैं कि ये होगा भविष्य में क्या होगा आप सब जानते हो लेकिन फिर भी मैं उसको रिकॉल कराना चाहता हूँ और आई के शेयर पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए उसमें थोड़ी सी मैं मदद करना चाहता हूँ आपकी अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपने दिमाग से काम लीजिएगा ठीक है सलाह लीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइजर से अभी सत्रह रुपए पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है मोनोपोली लेकिन अब उस मोनोपोली में कोई चोट तो पड़ नहीं रही है लेकिन जो ये काम करते हैं वहां पर चोट पड़ रही है जैसे कि अभी एक न्यूज 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 आई है है आज की न्यूज है, आपने ये आपने शायद पढ़ी भी हो कि लगभग 16-17 सत्रह हैं जो कैंसिल हो गई हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह ट्रेन हैं ठीक है, है? अब ये कैंसिल हो गई और क्या कारण दिया गया भारतीय रेल के द्वारा कि यहां पर ऑक्यूपेंसी जो थी वो काफी कम रही पेट्रोनाइजेशन हो नहीं पा रहा था सही से इसलिए हमने इन ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया अब ये ट्रेनें नहीं चलेंगी कब से कल से कल से ये ट्रेनें नहीं चलेंगी इसका मतलब क्या है सीधा नुकसान तो आई को हो रहा है लेकिन ये हमारे सामने कुछ सवाल भी खड़े करता है आई आर सी टी के स्टॉक को स्टॉक को लेकर ही कि क्या हम यहाँ पर लगातार महंगा वैल्यूशन देते ही रहें शॉर्ट टर्म पीरियड में भी क्या हमको सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए उसके लिए मैं चार्ट पर वापस आऊँगा ये ट्रेनें कैंसिल हुई हैं इस डेटा को आप खुद से भी जाकर चेक कर सकते हो क्रॉस चेक कर सकते हो ठीक है अब मैं बात आपसे कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा अभी दो, दो हजार भी स्टॉक गया था उसके ऊपर लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा था वहां पर मैंने आपको वॉन भी किया था आई होप आपने वीडियो देखी और चीजों को समझाओ प्लस मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि ये रेट इसके लिए बेटर होगा या नहीं लेने के लिए बहुत से लोग उत्सुक भी थे कि चलो भैया आई हाँ हम यहां पर खरीदेंगे अभी मैंने एक बेटर फिर से एक सर्वे कराया है क्या इससे बेटर रेट आपको मिल सकता है क्या चौदह सौ से पंद्रह सौ के बीच आप आई आर सी टी सी नहीं ख़रीदना चाहोगे तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इसके लिए इंतज़ार कीजिए या फिर क्लैरिटी के लिए इंतज़ार कीजिए भारत देश कब हमको क्लैरिटी दिखाएगा कब हमको आने वाली चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी कब हम कोविड से जंग जीतेंगे देखो एग्जैक्टली exactly, मैं ये नहीं कह सकता कि हम एक डेट फिक्स करके बैठे कि यहाँ हम जंग जीते और वहाँ पर आई आर सी टी सी आपको खरीदना है लेकिन ये डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ेगा क्योंकि होता क्या है ये स्टॉक ऐसा है जो सबको पसंद होगा कोई ये कह नहीं सकता कि नहीं भाई मैं आई आर सी टी सी लूँगा ही नहीं क्योंकि मुझे ये कारण पसंद है अब कोई कह दे कि मुझे आई आर आई नाम का स्टॉक ही नहीं पसंद आता या मुझे पाँच अक्षर के स्टॉक पसंद ही नहीं आते तो वो बात अलग है लेकिन और कोई आप कारण दे नहीं सकते हो इस स्टॉक को ना पसंद करने के ना आप कह सकते हो प्रोमोटर गंदा है ना आप कह सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न गंदा है ना आप कह सकते हो कि रिजल्ट ख़राब आता है ना आप कह सकते हो कॉम्पिटिशन बहुत है मतलब हर चीज़ आपके फेवर में है और ना ही आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के लिए कोई स्कोप है नहीं बात समझे अब ये जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए क्या आप इस पैरामीटर को हर स्टॉक पे जाकर चेक कर सकते हो जी हाँ चेक करना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बढ़िया हाँ सलाह भी मिल गई प्लस अब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ सत्रह सौ रुपये के नीचे थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इस स्टॉक में बने रहना है क्योंकि ये जो न्यूज है सेंटिमेंटल बेस पे नेगेटिव है लेकिन क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है हम आप सब इस स्टॉक को अपने झोली से बाहर नहीं जाने देना चाहते जो भी होल्ड कर कर रहे हैं ठीक है अब इसका मतलब क्या है कि जब तक वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं फील करेंगे कोई बड़ा आ, प्लेयर आकर यहाँ पर सेलिंग ना करने लगे तब तक वो इसमें से एग्जिट नहीं करना चाहते कम से कम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स को तो मैं वैसे भी सलाह नहीं देता कि आप एक बार स्टॉक खरीदो और बार बार एग्जिट करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा सही रेट का इंतजार करना चाहिए सही रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए सही रिजल्ट मिल जाए उसके बाद सही रेट का इंतजार करो और फिर फिर अगर आपको रेट मिल गया खरीद लिया आप तो फिर आप समझिए आपने उस कंपनी का शेयर खरीद के रखा है वैल्यू मत देखिए वैल्यू आप देखिएगा जब आपका कोई टास्क कंप्लीट हो जाएगा या आपने टाइम फ्रेम सोचा हो पाँच दस पंद्रह बीस साल उस समय आप वैल्यू देखिएगा ठीक इस हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए तो आई आर सी टी कुछ सवाल भी थे और मैंने आपको एक बेस भी बता दिया कि जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन है अभी तो स्पेशल ट्रेनें कैंसिल हुई हैं आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त सीटें मिल पा रही हैं एक समय ऐसा था कि इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड चलता था सारी सिचुएसन मतलब टिकट के केस में मैं कह रहा था आउट ऑफ कंट्रोल है अभी वो चीज़ अंडर कंट्रोल तो है लेकिन क्या चीज़ आउट ऑफ तो कंट्रोल जा चुकी है कोविड आज आपने देखा चार लाख के ऊपर केसेस आए हैं सिचुएशन ऑक्सीजन की भी अपने यहाँ पॉजिटिव है नहीं तो ऐसे केस में यहाँ पर मैं आपको फ्रेश इन, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ बस ये कह रहा हूँ कि आप अलर्ट मोड में रहिएगा अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से डिफाइन कर लीजिए कहाँ पर एग्जिट करना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको सब पता होगा कि ये लेवल लेने के लिए क्यों था क्यों आपको इतनी बड़ी गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए जिनके पास डबल आई पोर्टफोलियो होगा वो भी समझ पा रहे होंगे कि इस स्टॉक को हमको क्यों यहाँ पर खरीदना था प्लस यहाँ पर आप फिवनैसी भी अगर ड्रॉ करके देखोगे तो वो भी आपको था प्लस ओवरसोल्ड जोन में भी था तो ऐसे केसेस में आप क्यों नहीं एक ऐसी क्वालिटी का स्टॉक खरीदोगे जो आपको लॉन्ग रन में बेहतरीन मुनाफ़ा देने की काबिलियत रखता है आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है और मैं यहाँ पर अगर कोई ट्रांजेक्शन करूँगा तो सत्रह के नीचे ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होगा प्लस इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन अभी फ़िलहाल तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट का पैसा मैं इसमें अभी प्रजेंट सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ हो सकता है कि मैं किसी महंगे रेट पे मुझे डालना पड़ जाए वो मेरी मजबूरी होगी क्यों क्योंकि मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ और जब आप क्लैरिटी ढूंढने जाओगे तो आप इसको स्टॉक महंगा खरीदना पड़ेगा लेकिन वो चलता है अब अनसर्टेनिटीज़ में खरीद लो कोई स्टॉक वो क्रैश कर जाए ये चीज़ झेलने से बेटर है कि आप थोड़ा महंगा खरीद लो लेकिन क्लैरिटी के साथ आई होप आप स्मार्ट डिसीजन लोगे स्मार्ट एस वाली वीडियो जरूर देखिएगा अभी आपसे अलविदा लेते हैं मिलेंगे फिर से नमस्कार